उम्मीद है आप सब लोग मुझे भूल चुके होगे। ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने कोई अपने शहर के अंदर ही कोई छोटा मोटा काम करने की ना सोचा। आगे से जो है ना पेट्रोल पंप वालों ने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल के अंदर। आज का सीन ये है कि मैं आज बड़ा हैप्पी हूँ, लिटरली बड़ा हैप्पी हूँ। हैप्पी मैं इसलिए हूँ क्योंकि यार आपको मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो मुझे YouTube के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ के लोगरिथम को एक किस्म का समझ चुका हूँ। सिर्फ ना सिर्फ इसका लोगरिथम को बल्कि सारे सोशल मीडिया के लोगरिथम को। ये बात बड़ी तल हकीकत है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे फेमस होना है ना तो ये लाजिम है कि आपको कोई नेगेटिव काम करना पड़ेगा। तुहानू कोई गाल गुल करनी पवेगी, कोई गंदा गुंदा नाच करना पड़ेगा या कोई गलत हरकत करनी पड़ेगी, तभी आप सोशल मीडिया पे कामयाब हो सकते हो। नेगेटिविटी जल्दी फैल जाती है, वो राइट ऑफ हुई है। लेकिन कुछ लड़का मैंने देखा, हसन हमीद भाई, मैं इनको देख के लिटरली मैं बड़ा मोटिवेट हो गया। वो इसलिए मोटिवेट हुआ क्योंकि यार ये बाहर ऐसे बंदे थे, बाहर नहीं कह रहा मतलब बहुत लोगों में से, कि ये वो बंदे थे जिन्होंने पॉजिटिव रहते हुए यूट्यूब पर दिल फेम हासिल कर लिया। और ये चीज़ देख के मेरी जो खोई मोटिवेशन थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने कहा यार अगर हम किसी को गाली देंगे, किसी को बुरा कहेंगे तो क्या मतलब रोज अल्लाह तला ने लम्बे पाके चिबड़ा मारनी है, ठीक है ना। अल्लाह तला ने कहना है भाई पुत्र की क्या कहना थले थे, तो ये चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता था। लेकिन इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो भी लगा रहा था। मैंने कहा यार कौन सा को फेमस होना है ना, कब नाम बनना है। लेकिन हामिद हसन भाई मैंने उनको जब देखा तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ी खुशी भी हुई कि यार नहीं हम पहुँचे रहते हुए भी कामयाब हो सकते हैं। खैर आज अब ये सीन है कि यार हाँ एक और बात बढ़िया बात कि हो सकता है कि हम इन फ्यूचर में उनकी फेस रीडिंग करें। और मैं अभी करने वाला था लेकिन मैंने इसलिए नहीं की, मैंने कहा यार क्या पता कुछ ना लगे। अभी ये सीन है कि अभी चलते हैं, मैं यूनिवर्सिटी से पेपर दे के, पेपर कैसा हुआ वो एक लंबी चौड़ी बात है। लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, घर में यार गैस बंद है, क्या कर सकते हैं भैया हम लोग। तो अभी चलते हैं सांदल बाहर लेने के लिए और आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। मैं जब खुश होता हूँ तो मैं अपनी पार्टी करता हूँ और मैं उम्मीद तोड़ चुका था कि यार जब तक हम नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे हमारा कामयाब होने का मकसद बहुत मुश्किल और बहुत लंबा एक रास्ता है। तो अभी हम जान चुके हैं कि यार पहुंचे रहते हुए भी हम कामयाब हो सकते हैं। असल बात ये होती है ना कि जो लोग होते हैं ना ज़्यादा गरीब या वो फेमस हो जाते हैं अपनी गुर्बत दिखा के, या जो ज़्यादा अमीर है वो फेमस हो जाते हैं अपने पैसे दिखा के। मसला आते हैं मिडिल क्लास लोगों का। ऐसे कई बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो मिडिल क्लास हैं और उनके अंदर भी बड़े मसाइल आते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोगों का जो कनेक्शन होता है ना वो अल्लाह ताला के साथ बड़ा गहरा होता है, तो वो जो भी बात होती है वो अल्लाह से करते हैं, लोगों का आगे हाथ नहीं पलाते लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए इतनी भी करेंगे। फेस एडिटिंग में हम जानेंगे कि वो रियल पर्सनैलिटी में कैसे शख्स हैं। और अभी करते हैं अपनी पार्टी। आओ दोस्तों, आपको पता है कि हम अपनी वीडियोस में लाजमी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लाजमी देते हैं, तो मैंने कुछ देर से नोटिस कर रहा था मैं कि यार कुछ देर से ना मैं एकदम से बीपी कभी हाई हो जाना, कभी लो हो जाना, और कभी ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर हो जाना, कभी नीचे हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, अजीब अजीब से एंजाइटी वगैरह अटैक वगैरह आने मुझे, तो मैं बड़ा परेशान। मैंने यार ये क्या सीन है। तो फिर मुझे बाद में समझ आई कि यार ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू चिकन। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताऊँ, ये होता है कि आप लोगों को पता है जो अरब है ना, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो खाते हैं ज़्यादातर ऊँट, क्योंकि सहरा में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली होता भी ऐसा ही गोश्त होता है वहाँ पर। तो इसलिए उनके जो लहजे हैं ना वो थोड़े सख्त हैं, थोड़े हार्ड लहजे हैं उनके। और दूसरी तरफ जो हैं अंग्रेज़ हैं आपको पता है वो खाते हैं पोर खाते हैं पिग खाते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो वो आपको पता है इसलिए गंदे काम ज़्यादा करते हैं। वही जो तुर्किश लोग हैं, मैंने ये सुना था कि वो लोग खाते हैं ज़्यादा घोड़े और ऐसा फूड खाते हैं, वो हिरन वगैरह खाते हैं, शिकार करते हैं ज़्यादा लोग, तो इसलिए वो लोगों के जो जज्बा जो लोगों में जो ताकत और हिम्मत और जो वो है ना जिसे कहते हैं कि हिम्मत ही कह सकते हैं उसको, वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसलिए उर्दगुल और बड़े बड़े जो सिपा सलार थे वो तुर्की के ही थे। दूसरी जगह जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम क्या खाते हैं ज़्यादातर मुर्गी। तो मुर्गी खा खा के ना यार ये मैं देख रहा हूँ कि एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बताऊँ कि
कि जो इंसान एक फार्मूला याद कर लो, हर चीज़ का फार्मूला है, कामयाब होने का, नाकाम होने का, सेहत का, हर चीज़ का फार्मूला है। इसका फार्मूला ये याद कर लो कि जो चीज़ हम खाते हैं ना वही हमारी बॉडी में लगता है। तो मुर्गियाँ खा खा के होते ही सारा स्टीरॉयड है खा खा के, इसलिए जो एंजाइटी अटैक्स है, दिमाग के भी एग्जाम से ऊपर नीचे होना, ब्लड प्रेशर, कई सारे इशूज अमीर लोगों को आते हैं, गरीबों को नहीं आते। अमीर लोगों के क्यों आते हैं, वो ज़्यादातर मुर्गी खाते हैं और स्टेट खा खा के उनकी हालत बिगड़ जाती है। तो इसलिए मैं खुद इसमें शामिल था। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार हम सबको मिल करके इस चीज़ से दूर होना चाहिए और हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा खाएँ, लेकिन खाएँ बेशक देसी मुर्गे की ट्राई करें, कोई सील मुर्गे की ट्राई करें यार। कोई वो क्या आता है इसको जो उड़ता है, कूदू करता है, पिजन, कबूतर, पिजन कबूतर है, पैरट तो होता है, मंकी बंदर नंकी खोता। ओके वहाँ से मुझे याद आ गया। तो पिजन को हम जो है वो पिजन को ट्राई करें, पिजन बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो लकवे की बीमारी है उसका बहुत अहम इसमें इलाज, कम करके खालिश कर लो। अभी हम अपने रेस लेकर आते हैं और मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं अपने उपाय समझ आया हूँ। और दोस्तों मसला ये है कि हम जो चिकन छोड़ नहीं सकते, सीधी बात तो भैया ये है, इसको कम कर सकते हैं लाजम से। और दूसरी बात ये कि चिकन के उन चीज़ों को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो है हमारा शरीर। चिकन से जितना बचोगे उतना ज़्यादा काम अच्छा होगा आपका। इसको कैसे, इसका टेस्ट कम कर सकते हैं? मैंने बताया कि उसके लिए आपको लाजम से सैलड का खाना पड़ेगा। सैलड के अलावा रायता खाना पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। अल्लाह आप सबको सेव रखे। हामिद भाई की बात करें, हामिद भाई को देख कर मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई कि यार हाँ, हम पॉजिटिव रह करके भी अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि जो लोग न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए बात करूँ कि जो इमेज है वो आपने खुद बनाना है। अपनी वीडियोज़ में जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही बिहेवियर अगले बंदे को आपसे लाइव की उम्मीद होगी। हर वक्त रोस्ट करोगे, मजाक करोगे, हंसी करोगे, तो वो बंदे भी समझेंगे कि भाई ये बंदे मजाक किया है। हालांकि रियल लाइफ में मजाक किया पर्सन नहीं होता। और अगर आप किसी को टीज करते हो, तंग करते हो, तो लोग भी आपको गाली देकर खुशी महसूस करेंगे। जिसने कहा कि रिस्पेक्ट खुद मानी पड़ती है, इसने बिल्कुल ठीक कहा। इस प्लाव में होती है जी टिक्की, टिक्किया में टिक्किया में टिक्किया में टिक्किया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। होप सो हामिद भाई को देख के मुझे भी मोटिवेशन आती है कि यार हाँ, इंशाल्लाह हम भी अपना, हमारा टाइम भी आएगा अगर जिंदगी में वफाकी और अल्लाह ने चाहा तो हमारा टाइम भी आएगा, हम भी किसी बड़ी मंजिल पे ही आ जाएंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। अब ना रहना बहुत सा ख्याल, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।